लीलाचरण दत्त ने बोरसापुरी गांव के खेतों में फूल आने के समय का भरपूर लाभ उठाया है। एक महीने तक शहद इकट्ठा करने के बाद अब सामान समेटने का वक्त आ गया है। बहुत हजार हेक्टर माटि सरियह खेती हो रहा है। मैं यहाँ सरियह खेती मानी मार्केट एपिस मेलिफेरा तो मैं लो आई आसल मौ माखी दिन कम ऊला गुस जाए निजर निजर खेती सोर्स विचार फूल विचार रस विचार पलेन विचार बाहर ऊपा जाए राति गोटेख बस भर समाय दिए समाय दिले आम सूधाटे लै पे ऊपर एयर पर एन नेट मारि और एन गेट मारि जैसे मौ भर थके। लेकिन काम अभी पूरा नहीं हुआ है। पड़ोसी शहर में अन्य खेतों में फूल आ गए हैं, जिसका मतलब है कि इकट्ठा करने के लिए और अधिक शहद है। माइग्रेशन कर बोकाघाट ले बोकाघाट आम धनिया रंगलाव चंगलाव अन्य खेती आसे। मधुमक्खी पालक लीलाचरण दत्त को असम में शहद उत्पादन में महारत हासिल है। स्थानीय किसान दत्त को बताते हैं कि फूल खिलने लगे हैं। वह अपना सामान उठाकर फूल वाले खेतों में पहुंचते हैं और एक महीने तक शहद इकट्ठा करते हैं। फिर किसी दूसरे इलाके में फूल खिलते हैं और वह अपना सामान लेकर वहां पहुंच जाते हैं। दत्त शहद इकट्ठा करने के लिए एक ही मौसम में असम में 4 से 5 स्थानों पर प्रवास करते हैं। कुल मिलाकर वह 12 टन शहद इकट्ठा करते हैं, जिसे रास्ते में बेच देते हैं। वह इस बात का ख्याल रखते हैं कि इन क्षेत्रों की यात्रा ठीक उसी समय की जाए जब फूल खिले हो। इससे उनकी मधुमक्खियों के लिए पराग की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित होती है। हालांकि दत्त ऐसा करने वाले अकेले किसान नहीं है। अन्य राज्यों से कई मधुमक्खी पालक शहद इकट्ठा करने के लिए अपने छत्तों और बक्सों के साथ असम की ओर पलायन करते हैं। तो इनसे ज़्यादा सरसों हम लोगों को यहाँ होता है, तो वहाँ पे क्या होता है इनका जो जाम जब बहुत ज़्यादा हो जाता है, इसलिए हो जाता है वहाँ पे बंगाल का आदमी आ जाता है, बिहार का आदमी आ जाता है, झारखंड का आदमी आ जाता है, तो उसमें क्या होता है प्रोडक्शन कम होता है। तो प्रोडक्शन के ही लिए हम लोग वहाँ से छोड़ के यहाँ पर आते हैं हम लोग आसाम में, तो यहाँ पर भीड़ कम होता है, तो भीड़ कम होने से हम लोग का थोड़ा सा प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाता है। मकई खेती ज़्यादा होने से तो इनका उत्पादन नहीं होगा और जो इनसे जो आदमी आगे किसान चलता है आगे नहीं हो पाएगा। और सरसों का खेती या फूल का फ्लाईओवर जितना भी होता है किसान करता है तो उनसे हम लोग को भी फायदा होता है। स्थान बदलकर मधुमक्खी पालन का चलन भारत में कम है, लेकिन यह एक पुरानी पद्धति है जो शहद उत्पादन को बढ़ाती है। इसमें मधुमक्खियों के बक्सों को अधिक फूलों वाले क्षेत्रों में ले जाया जाता है। यह तरीका अब पूरे भारत में अपनाया जाता है। दक्षिण भारत में मधुमक्खी पालक मधुमक्खियों को लेकर सूरजमुखी, कुसुम, कपास और तिल के खेतों वाले स्थान पर आते जाते रहते हैं। कश्मीर से मधुमक्खी पालक राजस्थान और गुजरात जैसे गर्म क्षेत्रों की ओर पलायन कर जाते हैं। जैसे हम लोग पहले इनको देखने के लिए आते हैं फील्ड को वर्कर करने के लिए माइग्रेशन, तो यहाँ आए जिसका ज़मीन है उनसे मिलते हैं हम लोग, तो जिसको खाली जगह है तो 2-4-5 किलो मधु में दे देता है, और जो उसका खेती का जगह है तो उनका थोड़ा सा नुकसान होता है तो थोड़ा सा नुकसान देना पड़ता है, तो हम लोग उनको मान के चलिए 2,000 चाहे 3,000 दे के लीज में रखना पड़ता है हम लोग का बॉक्स। एक्सपोर्ट विदेश होता है। ये जो सरसों का जो मास्टर हनी बोलता है, जो मास्टर हनी जो है इंडिया में इनको खाने के लिए यहाँ का आदमी इनको रुचि इसलिए नहीं करता है, इन ये हनी जो है जमता है, तो इंडिया का आदमी क्या समझता है ये हनी जमने से इसमें शक्कर है, चीनी है, शुगर है। विदेश में इनको वहाँ का आदमी को कहना हुआ कि जमा ही हुआ शहद हमको चाहिए, इनका विदेशी सप्लाई है। इस तरीके से शहद निर्माण में एपिस मेलिफेरा नामक मधुमक्खी काम आती है, जिसे आमतौर पर यूरोपीय मधुमक्खी कहा जाता है। इसे साल 1962 के आसपास भारत में लाया गया था। अपनी शहद उत्पादन क्षमता की वजह से यह मधुमक्खी जल्दी लोकप्रिय हो गई। हालांकि विदेशी मधुमक्खी प्रजातियां बड़ी कॉलोनियों में रहती हैं और उन्हें अधिक नेक्टर की जरूरत होती है। वर्तमान ভাৰতীয় প্ৰজাতি যিটো আমি এপিছ চেৰেনা বুলি কওঁ, কিছুমানে চেৰেনা মৌ বুলিও কয় বা চেৰেনা বীজ বুলি কয়, আনটো হৈছে মেলিফেৰা বীজ এপিছ মেলিফেৰা বা পশ্চিমীয়া প্ৰজাতি। এপিছ মেলিফেৰাৰ যিহেতু মৌজোলৰ প্ৰডাকশ্যনটো বেছি,
সেইকাৰণে বহুতে এতিয়া 21 চেৰণৰ পৰা 21 মিলিগ্ৰামলৈ চুইচ হ'ব বিচাৰিছে। ভাৰতীয় প্ৰজাতিটোত আমি বছৰিত 10ৰ পৰা 12 কেজি মৌজোল পাওঁ, কিন্তু পশ্চিমীয়া প্ৰজাতিত আমি 30ৰ পৰা 40 কেজি মৌজোল আমি পাব। তাৰ বাহিৰেও ঘৰ যিবিলাক অন্য উৎপাদিত সামগ্ৰী আছে, যেনে আপোনাৰ মম, ৰয়েল জেলি, মৌবি, প্লেন, পপুলিছ, এই সামগ্ৰীসমূহ আমি মেৰিকাৰৰ পৰা সহজে আহৰণ কৰিব পাৰোঁ। কিন্তু ভাৰতীয় প্ৰজাতিটো সৰু হোৱাৰ কাৰণে এই প্ৰজাতিটোৰ পৰা এই লাভালাভবিলাক অলপ কম। अनुकूलतम परिस्थितियों में मधुमक्खी पालन बेहद लाभदायक हो सकता है। हम लोगों का उसमें से ज़्यादा दिक्कत होता है ना, अगर फूल नहीं होने से तो हम लोगों को जो प्रोडक्शन कम हो जाता है, तो उसमें हम लोगों का फैमिली मेंटेनेंस नहीं हो पाता है, कितना मक्खी मर जाता है, कितना किसान इनको छोड़ देता है, इसका एक्सपोर्ट रेट भी सही से अगर नहीं मिला उसमें भी लॉस हो जाता है। স্কোপ আছে, হোৱাৰ স্কোপ আছে, যদি মানে খেতিৰ ষ্টাইলটো চেঞ্জ হয় অলপ, ধৰি লওক একেলগে আমি এতিয়া মাষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ, চবেই মাষ্টাৰ্ট কৰিছে ধুনীয়া আমাৰ বিকিবৰ কাৰণে, তাৰপিছত আমি ধনিয়াটো কৰিব পাৰোঁ বা বেলি ফুলটো লাৰ্জ স্কেলত কৰিব লাগিব, তাৰপিছত তিল খেতিটো লাৰ্জ স্কেলত কৰোঁ, তিলৰ বজাৰ প্ৰায় কেজি 100 ৰুপিজ, তেতিয়াহ'লে আমি এটা বিকিপিঙত আৰু এটা ডাঙৰ স্কোপ বা এক্সপৰ্টৰ কথা আমি চিন্তা কৰিব পাৰিম, মেলিফেয়াৰ আৰু বেছিকৈ আমি অসমত পুহিব পাৰিম।